हमारे साथ इस वक्त है जयराम रमेश। पश्चिम बंगाल में वापस राहुल गांधी आ चुके हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन सर कल आप बिहार जाएंगे और आज नीतीश कुमार ने पलटी मार दी है, किस तरह से देखते हैं क्या हो रहा है? पलटी मारना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, वो अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं, वो गिरगिटों का कोई मुकाबला देंगे राजनीतिक रंग बदलने के लिए, तो ये तो सब ड्रामा है। भोकलाई हुई है बीजेपी, प्रधानमंत्री इसके सूत्रधार तो प्रधानमंत्री ही है, और बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी तो सूत्रधार ही है और बीजेपी का मतलब प्रधानमंत्री बिल्कुल, और ये इंडिया इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए खास तौर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल जो अररिया उसके बाद पूर्णिया और किशनगंज आएंगे उससे ध्यान हटाने के लिए आज ये ड्रामा नचा गया। इम्पैक्ट होगा इसका? कोई नहीं होगा। इंडिया का इंडिया अलायंस पर कोई गठबंधन कोई हमारे गठबंधन पर इसका कोई असर नहीं होगा, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा कल बिहार में जाएगा, पूर्णिया किशनगंज अररिया में हम जाएंगे, उसके बाद हम वापस पश्चिम बंगाल लौट आएंगे, मालदा मुर्शिदाबाद और बीरभूम, और वहां से हम झारखंड में जाएंगे। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को सही जवाब देगी, कांग्रेस को इसका लाभ मिलने वाला है, बिहार की जनता उनको सही जवाब देगी, जब चुनाव का वक्त आएगा सही जवाब देगी। सवाल, ममता बनर्जी को आपने न्योता भेजा है, आपको लगता है वो आएंगी? पता नहीं, वो उन पर निर्भर है, हमारे ओर से हमने कहा है, खड़गे जी ने कहा है, राहुल जी ने कहा है, सबका स्वागत है और खास तौर से ममता जी का भी स्वागत है, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन का एक महा बहुत बड़ा स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है और इंडिया गठबंधन को बनाने में ममता बनर्जी का भी एक योगदान रहा है।